नमस्कार बंधुअल किचन फ्लेवर्स पानी बेटी तले आपनालोकक स्वागत जनाइछो आज आपनालोकर लगत मैं शेयर करब बिचारिछो गरम दिनर एटा स्पेशल और हेल्दी रेसिपी दही बेगन अर्थात दईर सहित बेगना रेसिपी तो आपलोक ट्राई कर सब एक बार घर स्टाइल बनाइछो जदि भाल लागे तेनेहले लाइक और कमेन्ट करबले नपाहरिब और नतुन बंधु बान्धवी अकले प्लीज चेनेल सब्सक्राइब कर काखत थका अल बटन क्लिक कर राखिब तेतिया नतुन नतुन रेसिपी भिडियो बिलाक मैं आपनालोकर लगत शेयर करब पारिम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ समर के स्पेशल एंड हेल्दी रेसिपी दही बैंगन की रेसिपी। बिल्कुल होम स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और नई दोस्तों जो पहली बार मेरे चैनल में आ रही है, वेलकम करती हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि नई नई रेसिपी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे किचन में। বন্ধুসকল, আজি শেয়ার করিম গরম দিনত খাই ভাল লগা এটা রেসিপি দই বেঙেনার হইতে। তেনেহলে বলকসুন দোস্ত, আজ দহি বেঙ্গন রেসিপি কে লিয়ে মেনে লিয়া হে 400 গ্রাম বেঙ্গন। মই 400 গ্রাম বেঙ্গনা রেডি করেছো আর এতিয়া এফালে লুসো আধা কাপ দই, হাফ কাপ দহি, হাফ কাপ সে কম স্লাইস কিয়া হওয়া অনিয়ন, মই আধা কাপতকৈ কম পিঁয়াজ কাটি লৈছো আর এক চামচকৈ আদা আর নহরু থেতেলাই লৈছো। 1 টিস্পুন কাটকে লসুন আর আদরক কি পেস্ট বানা লিয়া হে, দরদরা কাটকে রিকল লিয়া হে, আপ পেস্ট বানা ভি সকতে হে। और तीखापन के लिए लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और हल्दी और थोड़ी से हिंग, अकमान हिंग लगे, निमख और हलधी रेडी करूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और रंगा जलकिया पाउडर अपन जैसे भल पाए जला तो कम बेसिके लब। ये लैसो मैं मास्टार्ड ऑयल सरह तेल। दोस्तों आज यूज करेंगे मास्टार्ड ऑयल। तेनाली बोलो प्रथम बेगेना खी काटि लो। सबसे पहले ब्रिंजल का अच्छी तरह मैं काट लूँगी। ब्रिंजल के पीसेस ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा मत कीजिए। काटने के तुरंत बाद पानी में भिगो दीजिए 2 मिनट के लिए। इतना मैं बैंगना खी खूब पतल डाठ नक विशेष हिसाब अनुसार काटिम और कटार लगे मैं पानी 2 मिनटर तैयार तैयार कला भाग तो आतरी जाए और खार भाग तो आतरी जाए। এইদরে সব মই বেছি পাতলা বা ডাঠ নাই করা। আর দই বেঙেনার এই রেসিপিটো গরম দিনত খুবই ভাল লাগে খায়। আর আপনাদের ভাত রুটি নান আপা পরাঠা লগত আপনাদের ইয়ার টেস্ট করব পারে আর স্বাস্থ্যের বাবেও ভাল, পেটর অসুখও নহয় যেহেতু দই ব্যবহার করিম। আর এখানেতে কম বন্ধ অকল দই ব্যবহার যেটা করব যেকোনো রন্ধা অবস্থাত আপনাদের সদায় গ্যাসের ফ্লেমটো কমাই বা অফ করে লব, নহলে দই ফাটি যাওয়ার সম্ভাবনাটো বেশি। আগতেই কই থলো যেহেতু এখানে সময়ত করার সুবিধাটো পালো। दोस्तों अभी 2 मिनट के बाद मैं भिगो के रखा हुआ ब्रिंजल निकाल कर रख दिया। अभी पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के बाद थोड़े से फ्राई करके निकाल लूँगी। बैंगना खी पानी पर टुकी रखिल और एन पेन 2 टेबल चामच सरह तेल खूब भलको गरम कर लो। मिठा तलर सदा भलको गरम कर लो, ना कैसा गोन्धता थके। तार पास बैंगना खी मैं अकान प्राय 2 मिनट मान भाजी लम। सामान्य रंग तो चेन्ज हर लगे मैं टुकी रखीम बेलेग प्लेट एस मात्र 2 मिनट और फ्लेम तो मीडियम तो हाई रख। ये रेसिपी तो अपना ट्राई कर सब मो बोधेरे ठंडा दिन को गरम दिन ये रेसिपी खा बेस भल लगे। सबसन जो भल लगे तेहले मोक कमेन्ट कर लाइक कमेन्ट और भल लगिले शेयर कर और नतुन बंधु बान्धवी अकले प्लीज चेनेल तो सबसक्राइब कर अल बटन तो क्लिक करें नपहर। यह सब मैं गोटेखि उलिये रखीम आपनलोगे जो विचार आलू एड कर पारे। दोस्तों अभी ब्रिंजल को मैं निकाल लिया। फिर पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल मैंने गर्म करने के बाद डाल दी। जीरा जस्ट छटकने के बाद बाकी मसाले मैं ऐड करूँगी। मैं पेन खन 2 टेबल चामच मा सरह तेल आको गरम करूँ। तार पास दिल अकान हिंग। तार पास प्रथम दूँ आधा चा चामच जीरा। जीरा चिटिकी उठार लगे दिल हिंग। तार पास आदा और नहरु थेतलिया लैसो। अभी जीरा और हिंग देने के बाद अदरक लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया। अभी उसे जस्ट चला लूँगी मीडियम फ्लेम में। प्याज खिनु एड करूँ। ये गोटे आदा नहरु प्याज खिनि सामान्य कैसा भाव तो जोलैक भाजीम। तार पास एड कर दीम हालधी और फ्लेम तो एतिया लो कर रखीसूँ। एतिया मैं बाकी मसला खिनि दीम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और अपनालोके जदि बिचारे ग्रेवी थिकनेस तो डाठ करिबोले तेनेहले आपनालोके ए मसलाखिनि भाजि थकार अवस्थाते आधा चा चामच बा 1 चा चामच जोखर बेसनो भाजि लब पारे। दोस्तों अगर आप लोग ग्रेवी के थिकनेस चाहते हैं तो अभी इसी समय आप लोग मसाले में ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून बेसन।
देखिए अच्छी तरह मसाले को भून लिया मैंने। अभी ऐड कर दूंगी जो बस फ्राई करके रख दिया था मैंने ब्रिंजल पीसेस को। इतना मैं टुकी रखा भाजी पेल टुकी रखा बैंगना खी एड कर दीम। इतना धुनिया रंग तो आ खूब जोरे नलरब जाते बैंगना फाटि जाए तेनक नक कारण बैंगना खूब सोकाले सीझी जाए नए बार सभी कैसा पीसबी बेसि सर नक सामान्य समय ढाक राखिल चेक कर ला ला सीझिसे प्राय 60% मान सीझी गल। दोस्तों 3-4 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम में मैंने ढककर पकाई थी, उसके बाद चेक किया तो ब्रिंजल अभी 60% पक चुकी है। अभी एड कर दिया एस्पार्टिस नमक। इतना मैं दूँ निमखनी और स्वाद अनुसार और ये खूब भलको मैं ला ला लराम अकन जत्न कर दरकार और इतना एड कर 2 मिनिटर पीछते सामान्य पानी। दोस्तों नमक मिक्स करने के बाद मैंने अभी 1/3 कप पानी मिक्स कर दिया दाल दे और अभी ढक कर मैंने फिर 3 मिनट पकाई। फ्लेम अभी मीडियम टू हाई रखिए। इतना मीडियम टू हाई फ्लेम मैं ढाक पे प्राय 3-4 मिनट समय सिजालू। पानी भाप तो अकमान कमी गल। एखिनि समयते मैं एबार आको चेक करिसो कि होइसे अलरेडी आसक सिजिसे। एतिया मैं फ्लेम तो अफ कर दिम कारण एखिनि ठंडा हबले दिम तार पिसत मैं दई दिम। दोस्तों फ्लेम अफ करने के बाद फिर मैंने ऑन किया क्योंकि थोड़ी सी ठंडा होने के लिए रखी थी सब्जी को। अभी एड कर दूंगी दही जो मैंने अच्छी तरह फेट कर दिया है। दहीखिनि जेते एड करिब खूब भालकै फेटी फेले एड करिब। या मैं दिलो एतिया मैं मिक्स करिलो। आपनालके फ्लेम तो अफ नकरियो दिब पारे किन्तु एटा कथा मन करिब खूब जाते भाजिखिनि गरम होइ थका अवस्था दही तो मिक्स करि निदिए। मैं गुटिके बुटी करिलो खूब बेसि 5 मिनिट मान समय अफ करि थ'ই दिलो ठंडा होइ गल। तार पिसत दही दिया आगे अन करि पेलाय आको मैं मिक्स करि दिलो। एतिया खिनि लाहे लाहे मिक्स करिछो एखने शेष हो जाय होय ग्रेवी थिकनेस विचारे अपने अलग पानी कम बेसि दी पे और मोर प्राय हो गए। मैं इनेक भल पाँ जीतु इतना मैं शेष पर्या पाल इतना मैं कैसा धनिया दी पे सजा दीम और अपना कैसा जलकिया दी पे। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता और आप लोग अगर चाहते तो हरे मिर्च भी आप लोग ऐड करके उसको अंत में गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सब्जी रेडी है। दही बैंगन की बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार टेस्टी बनी है। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। नहीं दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर आप लोग पसंद करते हैं थोड़ी सी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप लोग विचारे अकमान गरम मसला दी पे सीटे ऑप्शनल है निदिल ना खूब कम मसलारों एखिनि बनाय आपनालके स्वाद लब पारे। एया सब मैं इतना सर्व करिम खूब धुनिया होइसिल खाबोले। एया सब रेडी बंधुसकल रेसिपी आपनालके ट्राई करि साबो आरो पुनर लग पाम आपनालोकक नतुन एटा रेसिपी ले। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।